नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है जनरल वाउचर का, कि जनरल वाउचर होता क्या है और जनरल वाउचर की एंट्री कैसे हम करेंगे टैली के अंदर। तो चलिए दोस्तों, जनरल वाउचर के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जनरल वाउचर के ऊपर एक वर्ड की एक फाइल बना रखी है, जिसके अंदर देखिए ये जनरल वाउचर के बारे में लिखा है मैंने। देखिए, जनरल वाउचर की शॉर्टकट की होती है टैली के अंदर F7, और जनरल वाउचर वो वाउचर है जिसके अंदर क्रेडिट, जनरल वाउचर वो वाउचर होता है जिसकी शॉर्टकट की F7 होती है, और एक ऐसा वाउचर जिसके अंदर क्रेडिट नोट यानी क्रेडिट यानी कि उधार की लेन देन, जो भी ट्रांजेक्शन होगी, ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि उधार की लेन देन की कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा जनरल वाउचर के अंदर। और दूसरी अगर लैंग्वेज में बात करें, यानी नोट पेड एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जिसकी हम पेमेंट नहीं कर पाते, जो बकाया रह जाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी सेटलमेंट करने के लिए जो लेन देन करेंगे हम, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा जनरल वाउचर, यानी उधार के लेन देन को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब उधार की बात तो आ गई, अब एक टॉपिक आता है इसके अंदर जनरल वाउचर के अंदर कि डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन सबसे पहली बात होती है, एग्जाम्पल में ही है, डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा डिक्रीजिंग अमाउंट जब हम किसी एसेट को या किसी भी एसेट को यूज करते हैं तो उसमें होने वाली गिरावट को हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। जैसे कि हमने लैपटॉप खरीदा 20,000 का, और उस 20,000 को हम यूज करते गए तो उसमें होने वाली गिरावट को हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। जैसे मशीनरी हम खरीद के लेके आए होंगे तो 1,000 का हमारा उसमें डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है ना, तो वो इट इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है डेप्रिसिएशन, लेकिन इसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, इसलिए हम जनरल वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन चार्ज इन मशीनरी, यानी मशीनरी के ऊपर 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, यानी मूल्यह्रास लग गया 1,000 से, डेप्रिसिएशन लगने मतलब हो गया मशीनरी की वैल्यू 1,000 की कम हो गई। अब इसे जनरल इसकी एंट्री कैसे करेंगे टैली में, वो देखते हैं। देखिए टैली का भी मैंने स्लाइड खोल रखा है, यहाँ पर राठौर नाम की कंपनी बना रखी है मैंने। हम गेट ऑफ टैली के अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे F7। देखिए तो जनरल वाउचर का ये डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, DR और CR को फिलअप करना है, ठीक है ना। तो देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ मशीनरी पे, तो डेप्रिसिएशन क्या है, खर्चा, तो खर्चा तो बढ़ेगा लेकिन डायरेक्ट खर्चा है, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। तो ऑल सी से हम लेजर बनाएंगे डेप्रिसिएशन का, ये किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव कर सकते हैं किसी भी स्लाइड को टैली के अंदर, यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं 1,000 जो दिया गया है। सीआर में क्या आएगा, अब डेप्रिसिएशन तो खर्चा तो बढ़ गया, अब क्या चीज कम हो रही है, कम क्या हो रही है, मशीनरी के वैल्यू, तो मशीनरी का क्या आएगा, नाम आएगा यहाँ पर मशीनरी का, तो मशीनरी का लेजर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट प्लस सी दबाएंगे, यहाँ पर मशीनरी का लेजर बनेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी है जनरल वाउचर की एंट्रीज, लेकिन लोग इसे बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं। कंट्रोल ए से हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं या फिर एंटर से। देखिए डेप्रिसिएशन क्या हुआ, DR हो गया, और CR क्या हुआ, मशीनरी, ठीक है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा बढ़ गया और मशीनरी की वैल्यू कम होगी, बीइंग डेप्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, एंटर। ये रही हमारी एंट्री। अब दूसरी एंट्री के ऊपर बढ़ते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब हो गया कि सैलरी अगर आपको रिसीव होनी थी लेकिन सैलरी जो है आपको रिसीव होनी थी लेकिन आपने रिसीव नहीं करी, कहने का मतलब हो गया कि आपने किसी को पेमेंट करनी थी एज ए एम्प्लॉय में लेकिन आपने पे नहीं करी, तो आपके ऊपर क्या होंगी, लाइबिलिटीज। लेकिन वो जो सैलरी है उसकी पेमेंट को तो किस तरह रिसाइज करना होगा, तो रिसाइज किस तरह करेंगे, सैलरी क्या, खर्चा तो बढ़ गया ना, लेकिन वो खर्चा किस में ट्रांसफर हो गया, लाइबिलिटीज में। तो सैलरी क्या है, DR तो होगी, यानी खर्चा तो बढ़ेगा ही, लेकिन किसकी वजह से वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हुआ, सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्योंकि सैलरी हमारी बकाया रही। देखिए इसमें आते हैं, तो यहाँ पर जनरल वाउचर के अंदर सैलरी आउटस्टैंडिंग है 10,000 का, तो पहले क्या बनेगा, खर्चे का लेजर, तो क्या होगा यहाँ पर, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग आएगा, सैलरी आएगा, ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, देखिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा,
एंटर एंटर करेंगे, डेट सेव करेंगे, यहाँ पर अमाउंट आएगा 10,000 का जो सैलरी हमारी खर्चे में। सीआर क्या होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी का बनाने के लिए ऑल टाई करेंगे, डिंग सैलरी, ये क्या बन जाएगी हमारी करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये खर्चे को हमने पे नहीं किया तो लायबिलिटी बनेगी। तो ये देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नरेशन। तो इस तरह एंट्री पास होगी, खर्चा तो बढ़ गया लेकिन किस रूप में, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी भी बढ़ गई उस रूप से। इस तरह हम नरेशन पास कर दी। तो दोस्तों इस तरह एंट्रीज होती हैं जनरल वाउचर के अंदर, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है जनरल वाउचर के अंदर। तो मैक्सिमम क्या होता है देख लीजिए, इधर मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो एंट्री रिकॉर्ड होती है जो नॉट पेड एक्सपेंसेस होगा, नॉन पेड एक्सपेंसेस कुछ भी होंगे एक्सपेंसेस, वो अधिकतर क्या होंगे, डीआर होंगे एंट्रीज में। और जो बाकी जो अदर साइड है, कोई एसेट होती है, कोई एसेट हो गया, वो क्या होगा हमारा सीआर होगा, इसके अंदर जनरल वाउचर के अंदर। यही है जनरल वाउचर का पूरा एंट्री करने का पोर्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। थैंक यू।